सिंह और आप देख रहे हैं अपना मनचाहा न्यूज। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के भगवान का, जिन्होंने कैसे अपनी पत्नी अंजलि के साथ प्यार की शुरुआत की और साथ ही साथ सचिन को कैसे अंजलि पसंद आई। आप सबको बता दूं कि क्रिकेट की दुनिया में 24 वर्ष तक छाए रहने वाले सचिन तेंदुलकर आज 47 साल के हो गए और महज 16 साल 205 दिन की उम्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले छोटे सचिन कि सबसे बड़ी बात यह है कि 40 वर्ष के हो जाने के बाद भी उन्होंने अपने बल्ले को आराम नहीं दिया। इस सफर के दौरान सचिन ने इतने कीर्तिमान रच डाले हैं कि उन्हें भगवान का दर्जा तक दे दिया गया है। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को दिन 1 बजे मुंबई के शिवानी पार्क रनाडे रोड स्थित निर्मला नर्सिंग होम में हुआ था। उस वक्त उनका वजन लगभग 3 kg था और आगे चलकर यही बच्चा क्रिकेट का युग पुरुष बन गया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और लोगों के सम्मान में इस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। सचिन के जन्मदिन के मौके पर उनकी पत्नी अंजलि से जुड़ी लव स्टोरी पर नजर डालते हैं और बता दें कि सचिन और अंजलि की लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। पहली नजर में प्यार सचिन की रियल लाइफ में देखा गया। आप सबको बता दो कि उम्र में 6 साल बड़ी अंजलि से प्यार कर शादी तक पहुंचने में रोमांचक सफर के दौरान कई छोटी बड़ी रोचक घटनाएं के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। घुंघरेले बाल वाले सचिन ने अंजलि को पहली बार अगस्त 1990 में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा था। तब सचिन कैरियर के अपने पहले इंग्लैंड दौरे से लौटे थे और वहीं सुर्खियों में थे क्योंकि महज वह 17 साल 107 दिन की उम्र में टेस्ट कैरियर में शतक लगाने वाले पहले भारतीय थे। वहीं अंजलि एयरपोर्ट पर अपनी माँ को अपनी फ्रेंड के साथ रिसीव करने पहुंची थी। तभी उनकी फ्रेंड डॉक्टर अर्पणा ने सचिन को पहचान लिया था और उन्होंने सचिन की ओर इशारा करते हुए अंजलि को कहा कि देख वो वही है जिन्होंने इंग्लैंड में सेंचुरी जमाई है। अंजलि यह सुनते ही ऑटोग्राफ लेने के लिए सचिन के पीछे दौड़ी और किसी लड़की को आगे पीछे भागता देख सचिन शर्मा गए थे। वह चुपचाप अपनी कार में जा बैठे और क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट पर लेने उनके दोनों भाई आने वाले थे। मजे की बात बताऊं तो सचिन से बात करने की कोशिश में अंजलि अपनी माँ को रिसीव करना ही भूल गई थी। अंजलि गुजराती उद्योगपति आनंद मेहता और ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता एनाबेल मेहता की बेटी हैं। एयरपोर्ट पर पहली बार सचिन को देखते ही अंजलि किसी भी तरह उनसे पहली बार बात करना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी। उन्होंने किसी तरह दोस्तों की मदद से सचिन का फ़ोन नंबर निकाला और बात करने में कामयाब हुई। अंजलि ने जब फ़ोन कर सचिन को बताया कि मैं एयरपोर्ट पर आपको देखी थी तो इस पे सचिन का जवाब था, हाँ मैंने भी आपको देखा था, आप मेरे पीछे भाग रही थी। फ़ोन पर बातचीत के साथ ही सचिन और अंजलि के बीच दोस्ती की बुनियाद पड़ चुकी थी और अंजलि ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सचिन से मुलाकात करने के लिए वह खुद को पत्रकार बताकर उनके घर गई थी। इससे सचिन का परिवार हैरान हो गया था और सचिन की मां ने अंजलि से पूछा था कि क्या तुम सच में पत्रकार हो। दरअसल उन्होंने सचिन को चॉकलेट गिफ्ट करते वक्त देख लिया था। सचिन ने अपने ऑटोबायोग्राफी में एक घटना का जिक्र किया है। एक बार काफ़ी मशक्क़त के बाद रात 8:30 बजे दोनों मिलने का प्लान करते हैं और उसके बाद सचिन समय पर पहुंच जाते हैं लेकिन अंजलि घर से नहीं निकल पाती हैं। आखिरकार अंततः सचिन को बिना मिले ही लौटना पड़ता है। उन्होंने उस ऑटोबायोग्राफी में बताया कि उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे और पब्लिक बूथ से अंजलि को फ़ोन नहीं कर सकता था। ये बात 1992 की है जब सचिन एक बार अंजलि के साथ फिल्म देखने के लिए थिएटर गए थे। अंजलि ने इसका खुलासा एक इंटरव्यू में किया था। अंजलि के अनुसार हम दोनों कुछ फ्रेंड्स के साथ रोजा मूवी देखने गए थे और साथ ही साथ सचिन ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सरदार जैसे कपड़े पहन रखे थे और दाढ़ी लगा रखी थी, पर ज़्यादा देर तक वह अपनी पहचान न छुपा पाए और इंटरवल के बाद ही लोगों की नज़र उन पर पड़ी और सचिन को पहचान लिया। जब सचिन पहचान लिए गए तो फिल्म को बीच में उन्हें छोड़ना पड़ा और फिर घर लौटना पड़ा। आप सबको बता दूं कि सचिन शर्मीले स्वभाव के थे, वह अपने घर वालों से अंजलि के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। ऐसे में अंजलि ने ही एक कदम आगे बढ़ाया और सचिन कहते हैं अंजलि से शादी के बारे में परिवार से पूछना दुनिया के तेज गेंदबाजों का सामना करने से भी ज़्यादा कठिन था। उन्होंने बताया तभी मैंने यह जिम्मा अंजलि को सौंपा था। दोनों की सगाई 1994 में न्यूजीलैंड में हुई थी। तब सचिन भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पे थे।
24 अप्रैल को सचिन की किशवें बर्थडे पे दोनों की एंगेजमेंट हुई थी और एक साल बाद 24 मई 1995 को सचिन और अंजलि शादी के बंधन में बंध गए थे। यानी करीब 5 साल के अफेयर के बाद फिर सचिन और अंजलि एक हो गए।